जल जीवन और हरियाली को लेकर बिहार में एक बार फिर मानव श्रृंखला को लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पटना का यह गांधी मैदान है, जहां पर सिर्फ पटना के किले में 750 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला बनाई जा रही है और इस मानव श्रृंखला में कई लोग हिस्सा हो रहे हैं। फिलहाल हम मुख्य स्थल में हैं, जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और यहां देखिए किस तरीके से यहां पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ यहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानव श्रृंखला में शामिल हुए हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील मोदी है, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हैं। और यह तीसरा मौका है जब सामाजिक सुधारों को लेकर एक मानव श्रृंखला बनाया गया है। इससे पहले 2017 और 2018 में भी मानव श्रृंखला बना था। 2017 में जहाँ पर शराबबंदी को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वहीं 2018 में दहेज हत्या और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला का बनाया गया था। सबसे खास बात है कि आज का जो मानव श्रृंखला है यह एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इतनी लंबी विश्व श्रृंखला मानव श्रृंखला नहीं बनाई गई थी। आपको बता दें कि इस मानव श्रृंखला में करीब 16,443 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला है, जिसमें कि करीब 4.29 करोड़ लोग इस मानव श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। पूरे बिहार में इस मानव श्रृंखला पर नजर रखने के लिए करीब 13 हेलीकॉप्टर और 2 विमानों की सेवा ली गई है, जो इस पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। गांधी मैदान में कई तरफ से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, इस तरीके से ड्रोनों से बच्चे मॉनिटरिंग की जा रही है। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ बोझा, पटना, न्यूज 24।